अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम जा रहे हैं यहाँ के रिक्शा की सवारी करने, जिसका नाम है टुक टुक। क्या नाम है? टुक टुक। तो अब हम निकले, रास्ते से टुक टुक पकड़ते हैं। हम जा रहे हैं एमबी के सेंटर। सुना है वहाँ पे शॉपिंग के लिए चीज़ें अच्छी हैं। कहते हैं लोग एक्सपेंसिव है, लेकिन देखते हैं जाके जो रिव्यू करते हैं, क्योंकि पीछे अगर आपने क्लोथिंग करनी है और वो करनी है, क्लोथिंग करना है कि शॉपिंग करनी है, तो इंदिरा मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस। वहाँ पे होल सेल डील्स मिल जाती हैं आपको, लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले उसमें भी बताया था, तो आपको वो मिल जाएगा। तो अब हम निकल रहे हैं इंदिरा मार्केट के लिए, फिर वहाँ मिलके बताते हैं आपको कि क्या क्या अपडेट्स हैं। अच्छा जी, अभी हमने सोचा था पहले कि हम टुक टुक की राइड लेंगे, लेकिन मैं सोचा क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो मैंने कहा टुक टुक की राइड थोड़ी एक्सपेंसिव होगी। यहाँ पे एक टैक्सी है स्कूटी, तो हम स्कूटी की राइड लेंगे एमबी के मॉल के लिए, और वहाँ से फिर हम वापस आएंगे। अगर मौका लगा और प्राइस सस्ती मिली तो हम टुक टुक की सवारी करेंगे, अदरवाइज फिर हम रात को करेंगे टुक टुक की सवारी, जब हम बहुत सारे दोस्त होंगे, ताकि अमाउंट शेयर हो जाए। सो अब निकल रहे हैं एमबी के मॉल के लिए। चलें देखते हैं कि कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस भी स्कूटी राइड का। और स्कूटी राइड का एडवांटेज ये है कि आपको लॉगिन करने री लॉगिन करने में भी आसानी होगी, आप आराम से री लॉग कर सकेंगे चीज़ों का। मौसम थोड़ा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पास्ट डेज। धूप नहीं है इतनी, सूरज आ रहा है, जा रहा है, क्लाउडी वेदर है। तो बस अब देखें, सामने टैक्सी वाला खड़ा है, टैक्सी स्कूटी वाला, तो इससे पूछते हैं कि एमबी के मॉल तक के लिए क्या ले। हाय, हाउ आर यू? एमबी के मॉल, एमबी के, इट्स नॉट मोर देन 30 बात, इट्स जस्ट अ 5 मिनट्स राइड इन फ्रॉम हियर। Why it he was? The tuk tuk is asking for the same price. भाई ये तो 80 बात मांग रहा है, 80 बात तो बहुत ज्यादा है। चलो तो फिर ये टुक टुक वाले से पूछते हैं क्या कहता है भाई। हाय ब्रो, एमबी के मॉल, हाँ, 200 बात। ओ इट्स टू एक्सपेंसिव, आई एम द ओनली वन। ये भी भाई, यहाँ तो लोगों ने मुंह फाड़े हुए हैं, इससे दोबारा थोड़ा सा निगोशिएट करते हैं, कहते पूछने से। व्हाट अबाउट 50 बात? नो नो 50 बात। नो, टैक्सी मीटर, टैक्सी मीटर एंड हाउ मच विल चार्ज? आई डोंट नो। ओके यार, कर्टेसी लेवल इनका कोई इतना बड़ा मज़ेदार नहीं लगता टैक्सी वालों का, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लोग पैसे देते हुए ना इन लोगों की जान निकलती है। तो क्या करें, ये थोड़ा सा एक मुश्किल मरहला है। पैदल वॉक करने का मतलब है अपने आप को थका लेना, क्योंकि यहाँ से 25 मिनट की वॉक है। मैं फिर यहाँ से अभी वेट करता हूँ, या तो मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ कि भाई वो अगर आ जाते हैं तो हम निकल चलते हैं, अदरवाइज तो फिर अगर ड्राइव राइड ही लेनी है तो फिर हम दूसरी टैक्सी या तो दूसरी स्कूटी वाले को देखते हैं, या फिर हम यहाँ से वो ले लेंगे, टैक्सी ले लेंगे। लेकिन टैक्सी में मज़ा नहीं है, क्योंकि फिर टुक टुक ही कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। टुक टुक वाला अगर 100 बाद में भी आता है तो मैं देखता हूँ उसको, ज़रा सोचने इस बारे में। तो भाई फाइनली ये हुआ है कि हमें जुनेद भाई मिल गए। तो जुनेद भाई से हमने रिक्वेस्ट की, हालांकि उनका डेस्टिनेशन दूसरा था, लेकिन इन्होंने हमें एमबी के मॉल के लिए मेरे साथ राजी हो गए, तो थैंक यू जुनेद भाई। अब हम जा रहे हैं एमबी के मॉल और हम टुक टुक की सवारी कर रहे हैं। भाई टुक टुक लोग जो है वो यहाँ का लोकल रिक्शा है, लेकिन भाई स्पोर्टी रिक्शा है, इंजन ऐसा है जैसे मुझे लगता है 2500 सीसी वाला इंजन लगाया है इन्होंने इसके अंदर, ऐसे यहाँ पे ये हम मार रहा है हम। तो भाई अब हम चलेंगे, मैं आपको बाहर की बाहर का रिव्यू भी देता हूँ कि बाहर के रोडों के हालात, ट्रैफिक के हालात, रास्ता कैसा है, तो बस मैं आपको अपडेट करते हैं। ये देखिए कितने सारे रिक्शे खड़े हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे ट्रैफिक समहाउ मोर और लेस थोड़ी पाकिस्तान जैसी ही है, यहाँ पे भी लोग ट्रैफिक रूल्स को इतना ज़्यादा ओबे तो करते नहीं है। जहाँ जहाँ रिक्शा होगा वहाँ
वहाँ वहाँ ट्रैफिक, ये देखिए आप रिम्स लगाए हुए लोगों ने भाई, रिम्स रिक्शों में रिम्स है, ये फूड स्ट्रीट्स हैं। अच्छा सबसे अच्छी बात यह है कि ये शहर सुबह 9 बजे जाग जाता है, अनलाइक पाकिस्तान में जहाँ पे मार्केट जो है वो 12-1 बजे तक खुलती है, सुबह 9 बजे खुलेंगी, रात 8 बजे बंद। 8 बजे आपको ये सनसान नजर आएगा, मॉल्स भी बंद हो जाते हैं। तो भाई ये टुक टुक की राइड चल रही है जबरदस्त किस्म की, फुल खींच रहे हैं, फुल हल्का बुल्का नहीं, फुल खींच रहे हैं, फुल हल्का बुल्का भी नहीं। यार मजेदार सवार ये, ऐसा रिक्शा पाकिस्तान में हो, लेकिन पाकिस्तान में अगर ऐसा रिक्शा हो तो मट्टी में ही बंदा मर जाए, धूल मट्टी से हटके मर जाए। यहाँ पर ये एडवांटेज है कि आप के कपड़े भी गंदे नहीं होते, मट्टी नहीं है, हालांकि इतनी व्हीकल्स है यहाँ पर, आपको साउंड आ रही होगी, ये सारी आवाज़ जो है ना टुक टुक की है, टुक टुक मेरे दोस्त टुक टुक। तो बस अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि ट्रैफिक जैम बहुत होता है भाई यहाँ पर, ट्रैफिक बहुत बहुत ट्रैफिक है। अच्छा ट्रैफिक जैम होता है लेकिन वो सेंसेबल ट्रैफिक जैम, वो वाला नहीं है जो पाकिस्तान में होता है कि लोग खुद ट्रैफिक को जाम कर लेते हैं। ठीक है ना, पीछे आप देखो, अगर अब ट्रैफिक रुका हुआ है तो पीछे वाली गाड़ी आगे नहीं आएगी जब तक ये गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि बीच से रोड है, कट है। देख रहे हो भाई, ये डिपर दे रहा है, डिपर दे रहा है, अगली वाली गाड़ी को डिपर दे रहा है, ये देख रहे हो इसके टुक टुक के भरम चेक कर रहे हो, चेक कर रहे हो टुक टुक के भरम, ये देखो ये कैसे मेरे को रोका कैसे, हाँ ये हर माल 100 रुपया। आड़े ले लो भाई, ले आ रही है, ले आ रही है, ले आ रही है, ले आ रही मलिर मलिर मलिर, लांडी लांडी कुरंगी, खोखरा पार खोखरा पार, गुलशन इकबाल गुलशन इकबाल, मच्छर कॉलोनी मच्छर कॉलोनी, ओए 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 ओए। भाई ये जेम्स बॉन्ड है, चेक करो ये रिक्शा ड्राइवर स्मार्ट कितना है भाई, ये किसी फिल्मों का हीरो है भाई, जो तो ऐसी ये साइड बिजनेस कर रहा है, ये शूटिंग वूटिंग करने के लिए निकला था, ये ऐसे ही आ गया, हीरो हीरो टाइप आइटम है भाई ये, हीरो टाइप। और ये हम अपने होटल के करीब करीब पहुंच चुके हैं। ओ वो तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओतरी हो गई भाई, ओतरी हो गई भाई, ओतरी हो गई भाई। और ये कट मारा इसने, ये यहाँ से मारा ये कट, यहाँ से मारा मारा वो कट, कट पे कट, कट पे कट, कट पे कट, ओ माय गॉड। हल्का नहीं आ रहा भाई, हल्का नहीं आ रहा, कह रहा गालियाँ दे रहा, कह रहा गालियाँ दे रहा है, गालियाँ दे रहा है, थाई में गालियाँ दे रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों भाई, इसके भरम चेक करो, भरम चेक करो भाई, ये रिक्शे वाले के भरम चेक करें भाई, आप भरम चेक करें, कोई भरम है इसके, हल्का नहीं आ रहा ये। ये टुक टुक की लाइन लगी हुई है यहाँ पर, लाइन से टुक टुक खड़े हुए, टुक टुक 1 टुक टुक 2 टुक टुक 3 टुक टुक 4 टुक टुक 5, ये टुक 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 टुक। भाई जो गाड़ी आप बड़े फखर से चलाते हो पाकिस्तान में, वो टैक्सियां बनाई हैं इन्होंने, टैक्सियां। अरे सब छोड़ो, जो नई करोला लॉन्च हुई है ना, वो भी ये टैक्सी में चला रहे हैं भाई। इतनी तो बेइज्जती करोला की मैंने नहीं देखी,
नया मॉडल जिसको लोग यहाँ पाकिस्तान में 50-50 60-60 लाख रुपए का खरीद रहे हैं, उनको इन्होंने टैक्सी में लगाया हुआ है। और हमारे यहाँ वही 1960-65 की डाटसन चल रही है, डाटसन है, डाटसन डाटसन सनी, ये टैक्सियाँ अभी तक काम कर रही हैं। और या फिर वो 90s में कभी प्राइम मिनिस्टर स्कीम में आई थी वो येलो वाली, वो मुर्दा हालत की टैक्सियाँ भी चल रही हैं। कोई अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आ जाए यार, मास ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है इनके पास, हर किस्म का। आप हर तरीके की ट्रैवलिंग कर सकते हैं यहाँ पर, हर तरीके की ट्रैवलिंग कर सकते हैं। या आप स्कूटी टैक्सी यूज़ कर सकते हैं, टुक टुक यूज़ कर सकते हैं, कैब यूज़ कर सकते हैं। कितनी हैपनिंग स्वीट है, हर वक्त चल रहा है, टकाटक चल रहा है, टकाटक चल रहा है। ये ऊपर तक छोड़ेगा, ऊपर तक होटल के पास आके छोड़ेगा भाई, होटल के पास। ये खींचा और यहाँ लाके हमें ड्रॉप दे दिया। यार जुनेद भाई, क्यों तो मुझे शर्मिंदा करे जा रहे हो? से हेलो हेलो, हाय चले भाई। अब हम आ गए टुक टुक की सवारी के बाद वापस होटल अपने। अब हम आराम करेंगे, आराम से, इत्मीनान से। थैंक यू जुनेद भाई, आपने बहुत 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 घुमाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे कभी नहीं मिल रही थी आपने दिलवा दी मुझे। फिर पाकिस्तान में मुलाकात होती है।